नमस्कार, ghamasan.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ कृष्णपाल राठौर। आज बात करते हैं इंदौर शहर के उस दौर की, जब इंदौर शहर में लड़कियाँ पहले कहाँ पे थी और आज का दौर इंदौर अलग ही है। जी हाँ, आपको बता दें कि पहले लड़कियों को वो जगह नहीं मिल पाती थी समाज में जो वो बनाना चाहती थी, लेकिन आज पुरुषों के साथ चल रही है लड़कियाँ, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है लड़कियाँ, और ये गर्व की बात है भारत के लिए, इंदौर के लिए। इंदौर की बेटी हमारे साथ मौजूद है, अर्पिता गुप्ता जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। म्यूचुअल फंड को लेकर काफ़ी समस्याएं आती है लोग के, आप एड्स देखते होंगे, आप टीवी देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि इतने सारे पेपर्स भरना पड़ता है तब जाके म्यूचुअल फंड हम कर पाते हैं, लेकिन ये चीज़ भी शॉर्ट हो चुकी है। अब शॉर्ट कैसे हो चुकी है, सीधा चलते हैं अर्पिता जी के पास। कैसे आया था आइडिया आपको, और क्या किस तरीके से आपने इतने सारे पेपर्स को एक वेबसाइट में कन्वर्ट कर दिया? सो अभी अवेयरनेस बहुत चल रही है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग की, एंड म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं जो काफ़ी बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं इन्वेस्टर्स को। अभी तक इंडिया में जनरली लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की तरफ बहुत जाते हैं, PPF हो गया, FD हो गया, या सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखना हो गया। सो म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता है वो इन्वेस्ट कराता है इन्वेस्टर्स को मच बेटर फंड्स में, कहीं बेटर रिटर्न्स होते हैं। हम लोग सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, कंपनीज के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, डेट फंड्स हो गए, तो इन सब में इस तरह के प्रोडक्ट्स बहुत सारे अवेलेबल हैं जिनकी अवेयरनेस नहीं है इन्वेस्टर्स को इंडिया में। एक सवाल कहना कि मेरे मन में उठता है कि आप ने ये वेबसाइट जब बनाई थी तब कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है स्टार्टिंग में, तो आपको क्या लगा था कि वेबसाइट चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि बिजनेस इज अ रिस्क, तो आपने रिस्क लेना बेटर समझा? हाँ, ये एंटरप्रेन्योर्स को हैंडल करना ही पड़ता है, बहुत बड़ा रिस्क टेकिंग फैक्टर रहता है, बट बिकॉज अपॉर्चुनिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, सो वो सब रिस्क नज़रअंदाज हो जाते हैं उस तरह से, एंड हम मेहनत कर ही रहे हैं उसके लिए, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट कि हम लोग का प्रोडक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड हम लोग मेजरली क्या करते हैं कि हम इन्वेस्टर को बताते हैं कि आपके लिए कौन सा राइट प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टर हमारी वेबसाइट पे जाके एग्जैक्टली बता सकता है उसकी क्या इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, उस तरह के क्वेश्चंस हमने डिज़ाइन करे हैं, एंड उसके बाद हम लोग रेकमेंड करते हैं हर इन्वेस्टर के लिए अलग अलग ऑटोमेटेड पोर्टफोलियोज बनाते हैं उसके, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, एंड उस तरह से उसके बाद हमारे वेबसाइट से ही इन्वेस्ट बटन दबाते से ही इन्वेस्टर का पैसा इन्वेस्ट हो जाता है राइट म्यूचुअल फंड्स में। तो किस तरह से वेबसाइट विजिट कर सकते हैं? www.niveshmitr.com पे आप विजिट कर सकते हैं, आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी इन म्यूचुअल फंड्स शुरू हो जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स के साथ। तो क्या क्या फिल करना पड़ता है? बहुत ही बेसिक डिटेल्स चाहिए रहती है, जैसे हमें पैन नंबर चाहिए रहता है, ये सब सेबी रेगुलेटेड जो भी इंक्वायरीज रहती हैं वो हमें चाहिए रहती है। पैन नंबर हो गया आपका, बैंक डिटेल्स हो गए आपकी, नॉमिनेशन एड्रेस, बस ये बहुत कम चीज़ें चाहिए रहती हैं। मार्केट्स कैसे चल रहे हैं उतार चढ़ाव के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हम पूरा हैंडल करते हैं आपका पोर्टफोलियो। ये जो पूरी वेबसाइट की जो डिटेल है वो आपसे पर्सनल कॉन्टेक्ट आपने चढ़ा रखा है वेबसाइट पे, या फिर वेबसाइट ही आपको बता देगी सब कुछ जो भी प्रोसेस पूरा प्रोसेस वेबसाइट पे बहुत इजी भाषा में लिखा हुआ है, लाइक एनी लेमैन कोई भी जो नहीं समझता है फाइनेंस के बारे में या कंप्यूटर के साथ बहुत इजी नहीं है वो भी यूज़ कर सकता है वेबसाइट पर, वो इतना ईजी है, जैसे आप ऑनलाइन पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं या आप कैब बुक करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं, उस तरह से इतना इजी प्रोसेस बना रखा है वेबसाइट में, सो आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए रहेगी। पर हम लोग की कॉल सेंटर भी है तो आप उधर कॉल करके भी किसी का भी मदद ले सकते हैं। अर्पिता जी, आप आपकी तरफ से इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं दो चीज़ें कहना चाहती हूँ इन्वेस्टर्स को। एक तो हम सबसे पहले जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं या करंट अकाउंट में रखते हैं, जो कि आमतौर 3.5-4% रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न नहीं देता है। सो आप म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लोर करिए, म्यूचुअल फंड्स में एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है लिक्विड फंड्स करके, उसमें आपका पैसा आप एक दिन से दो दिन से लेकर 2-3 महीने तक रख सकते हैं,
एंड उसमें आपको रिटर्न मच बेटर मिलेंगे. मैं कमेंट तो नहीं कर सकती रिटर्न कितने मिलते हैं क्योंकि म्यूचुअल फंड में वो अलाउड नहीं रहता है, पर मैं ये जरूर कहना चाहूँगी कि आपको रिटर्न कहीं बेटर मिलेंगे. आपका लॉकिंग भी नहीं रहता है एंड आपको वही सुविधा मिलेंगी जो सेविंग्स अकाउंट में मिलती है, जैसे कि डेबिट कार्ड फैसिलिटी रहती है कुछ कुछ म्यूचुअल फंड्स में, एंड आप पैसा हाथ की हाथ विड्रॉ कर सकते हैं. तो बेटर इंटरेस्ट के साथ सेम फैसिलिटीज़ में यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स. एंड सेकेंड ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जैसे टैक्स सेविंग सीजन आ रहा है, मार्च एंडिंग आ रही है, जनरली उसमें सेक्शन 80C के अंदर आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपको टैक्स डिडक्शन 1.5 लाख तक की छूट दे रखी है गवर्नमेंट ने. उसके लिए जनरली इन्वेस्टर्स PPF तरह की या 5 ईयर बैंक FD पे रिसॉर्ट करते हैं. उन लोग इन्हीं जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हीं पे इन्वेस्ट करते हैं. मैं कहना चाहूँगी कि म्यूचुअल फंड्स में भी एक इसकी कैटेगरी है जो जिसमें अगर इन्वेस्ट करें तो गवर्नमेंट आपको 1.5 लाख तक की छूट देती है. उसको टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स या ELSS कहते हैं, उसके इस नाम से जाना जाता है. एंड इन फंड्स में जनरली लॉक इन पीरियड बहुत ही कम रहता है, आपको सिर्फ 3 साल तक अपना पैसा उसमें रखना पड़ता है, जबकि PPF में आपको 15 साल मिनिमम रखना पड़ता है वो छूट हम हर साल लेने के लिए. सो एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है. एंड गवर्नमेंट आजकल दरें बहुत कम कर दी जा रही है अपनी बैंक्स की. सो इस तरह से PPF या 5 ईयर बैंक FD आपको 7 से 8% से ज़्यादा रिटर्न नहीं देती है. अगर आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में आप जाएंगे तो आपको रिटर्न भी कहीं बेहतर मिलेंगे एंड लॉक इन भी आपका कम है. सो मैं इन्वेस्टर्स को ये कहना चाहती हूँ कि पुराने जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनकी जगह आप नए म्यूचुअल फंड्स को आप ध्यान देंगे तो आप कहीं बेहतर अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं एंड इन्फॉर्म तरीके से बढ़ा सकते हैं. लेकिन आपने इंटरव्यू से ठीक पहले बताया था कि आज भी जमाने में ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन पर भरोसा नहीं करते हैं. मतलब मेरे पापा हो गए, ऑनलाइन चीज़ें उनको नहीं जमती है, तो उसके लिए ऑफलाइन भी आप अवेलेबल रहती है आपकी कंपनी? सो हम लोग के पास, हम लोग के इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स मार्केट में घूम रहे हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो ऑफलाइन करते हैं. सो निवेश मित्र के ही वो सब ब्रोकर्स कहलाएंगे एंड वो भी आपको मदद कर सकते हैं. अगर आप यू नॉट कम्फर्टेबल विद ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स तो आप उनके थ्रू पूरा प्रोसेस करवा सकते हैं ऑफलाइन में. अच्छा, उनके थ्रू पूरा प्रोसेस करवा सकते हैं. एक बार और मैं चाहता हूँ कि आपकी साइट का नाम आप दर्शकों को बता दें ताकि वो अभी जाके इन्वेस्ट कर सके. और आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आप और आगे जाएं इसी तरह से इंदौर का नाम रोशन करें. niveshmitr.com है, NIVESHMITR.com. इसमें मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, हमारे 2 फीचर्स और हैं कि एक तो NRI जो इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं या स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनके नाम पे इन्वेस्टमेंट करने में बहुत दिक्कत आती है. वो जब इंडिया आते हैं तभी पेपर साइन कर सकते हैं तो वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है. सो हम लोग का वेबसाइट ये टारगेट करता है कि आप NRI हो, आप अमेरिका में बैठे हो या जर्मनी में बैठे हो, आप वहीं से बैठ के एक क्लिक में आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से. एंड एक और चीज़ हम लोग की जो फीचर बहुत अच्छी है वो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है. सो हम लोग जनरली इन्वेस्टिंग, आज जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग ये है कि मेरे पास 10 रुपये बचे हैं तो मैं इन्वेस्ट कर लूँ, हम लोग इस तरह से एक गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग भी हमने शुरू करा है. उसमें ऐसा है कि आपके एक फाइनेंशियल गोल्स होते हैं लाइफ में, घर खरीदना है, हर इंसान को एक घर खरीदना होता है, गाड़ी खरीदनी होती है या हॉलीडेज़ के लिए जाना होता है. तो आप अपनी हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप बता सकते हैं, बस इनपुट करना है कि यू नो इतना मुझे पैसे की हॉलीडे करनी है, 3 साल बाद हॉलीडे करनी है, तो हमारा पूरा ऑटोमेटेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपको बता देगा कि एग्जैक्टली आपको कितना अमाउंट कहाँ इन्वेस्ट करना है, सो दैट आप इतने टाइम 3 साल बाद आप अपना हॉलीडे कर सकते हैं रिडीम करके फंड्स. सो इस तरह के बहुत इंटरेक्टिव कैलकुलेटर्स और पोर्टफोलियोज हैं विच हेल्प यू कि आपके आपके फाइनेंशियल गोल्स जो भी लाइफ के हैं वो आप मीट कर सकते हैं थ्रू वेरी गुड इनोवेटिव इन्वेस्टिंग. जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप और आगे बढ़े. और जब आप एक बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी के रूप में जाने जाए तब हमारे साथ इंटरव्यू में बैठे हैं और अभी शुरुआत है और शुरुआत ही इतनी अच्छी है तो अंजाम बेहतर होगा, ऐसी शुभकामनाएं आपकी हमारे साथ है. और आप देखते रहिए ghamasan.com. जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था कि इंदौर शहर बहुत आगे बढ़ गया है. एक वो इंदौर शहर का दौर था जब लड़कियां कुछ कर नहीं पाती थी, लेकिन आज की लड़कियां कमाल कर रही है.